दोस्तों आज की यह एक सत्य घटना है, हरिद्वार के गंगा घाट की। गंगा घाट पर एक व्यक्ति ने एक ऐसे नौजवान को देखा जिसका शरीर ऊपर से तो गोरा था और कमर के नीचे से पूरा काला था। उस व्यक्ति ने उस नौजवान से पूछा कि आपके शरीर का रंग ऐसा क्यों है, तो उस नौजवान ने कहा कि क्या करोगे जानकर। परंतु व्यक्ति के रिक्वेस्ट करने पर नौजवान ने अपने साथ घटी सत्य घटना को बताना शुरू किया और यह सत्य घटना राजस्थान के बाड़मेर जिले की है जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर, जहां रेत गर्मी, भारतीय सेना 24 घंटे 365 दिन तैनात रहती है। आज की कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमय होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह कहानी है रवि की। वो 20 साल का नौजवान है। उसने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसकी तमन्ना थी इंडियन आर्मी में जाना। रवि चाहता है कि वो एक फौजी बने, इंडियन आर्मी में जाए। बचपन से उसकी यही एक ख्वाहिश थी। परंतु 2-3 साल बीत चुके हैं लेकिन वो खाली बैठा हुआ था क्योंकि आर्मी की वैकेंसी नहीं आई थी। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसके गांव के पास ही दूसरे गांव में कुछ सपेरे आए हुए हैं और रवि घूमता फिरता हुआ पास के दूसरे गांव में पहुंच जाता है और देखता है कि सपेरे किस तरह से सांप पकड़कर बीन बजाते हैं और कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और वो चौंक जाता है, हैरान रह जाता है क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी सपेरों को नहीं देखा था। उसे यह सब देखकर बहुत अच्छा लगने लगा था। लेकिन रवि खाली तो ही रहता था तो सोचता है क्यों ना इन सपेरों के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करें। और रवि रोज उनके पास जाना शुरू कर देता है और रवि हर जगह जाता जहां वो सपेरे जाते। सपेरे जंगल में जाते सांप पकड़ने के लिए, तो रवि भी उनके साथ जाता और उनके साथ रहकर रवि ने यह देखा कि अगर कोई भी सांप उन सपेरों को काट लेता है तो वो सपेरे अपने तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों से सांप का जहर खत्म कर देते थे। तो यह विद्या रवि भी सीखने लगा और रवि को इस सब में बहुत ज्यादा मजा आने लगा। सपेरों के साथ रहना, उनका जीवन देखना, सांप पकड़ना, विद्या और तंत्र मंत्र सीखना, उसके लिए यह सब आम बात हो गई थी। और एक दिन क्या होता है कि सपेरे जंगल में जाते हैं सांप पकड़ने को और रवि को पता चलता है नागमणि के बारे में। और रवि उन सपेरों से पूछता है कि यह नागमणि क्या होती है, तो सपेरे उसे बताते हैं कि नागमणि सांपों में होती है और बहुत ही ज्यादा कीमती होती है, जो कि सांपों को कई हजार सालों के बाद मिलती है और यह मणि बहुत कीमती होती है। और रवि यह सोचने लग जाता है कि अगर नागमणि कहीं मिल जाए तो मजा आ जाए। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से रवि के चाचा उसे बताते हैं कि इंडियन आर्मी की वैकेंसी आ गई है। रवि तुम जल्दी से फॉर्म भर दो। और रवि की तो चाहत होती है आर्मी में जाना और रवि बिना देरी किए इंडियन आर्मी में फॉर्म भर देता है। और फॉर्म डालने के कुछ दिन बाद एग्जाम आता है और किस्मत से रवि का सिलेक्शन हो जाता है। उसकी चाहत पूरी हो जाती है और रवि इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइनिंग करने के कई दिनों बाद उसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसकी ड्यूटी राजस्थान के बाड़मेर जिले, जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, पाकिस्तान का बॉर्डर और भारत का बॉर्डर के बीच, वहाँ जो बाड़मेर जिला है वहाँ पर रवि की पोस्टिंग हो जाती है। और वहाँ पर रवि अपनी ड्यूटी करना शुरू कर देता है और कुछ समय गुजर जाता है। कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा होता है कि रात का वक्त होता है, रवि अपने साथियों के साथ होता है। 15-20 साथी उसके साथ ही बॉर्डर पर तैनात होते हैं
निगरानी कर रहे होते हैं। तभी रवि को दिखाई देता है कि दूर से एक बहुत तेज रोशनी आ रही है। रवि सोचने लग जाता है कि शायद यह कोई दुश्मन की चाल है, क्योंकि वो तो होता ही है पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर। सोचता है कि कहीं कोई घुसपैठिया ना हो, लेकिन फिर भी मुझे पास से देखकर आना चाहिए कि क्या माजरा है। रवि अपने सैनिकों को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तभी उसे दूर से जो रोशनी दिख रही थी और भी ज़्यादा चमकदार होती हुई दिखाई देती है। रवि सोचता है कि ऐसी क्या चीज़ है और अन्य साथियों को कहता है कि मैं अकेले देख कर आता हूँ, तुम सब यहीं खड़े रहो, अगर कोई फायरिंग होती है तो तुम अटैक करने के लिए तैयार हो जाना। और रवि उस तेज रोशनी की तरफ बढ़ता है। रवि जब उस रोशनी के पास पहुंचता है तब देखता है कि यह कोई आम रोशनी नहीं है, ना ही कोई घुसपैठिया है। वो देखता है कि एक बड़ा सा सांप, एकदम काले रंग का और बहुत विशालकाय और भयानक था। करीब 15 से 20 फीट लंबा था और उस मणि की रोशनी 10 से 15 मीटर दूर तक जा रही थी, और सिर्फ वहीं तक। वो सांप कीड़े मकोड़े खाने जाता जहां तक उस मणि की रोशनी जा रही थी, और वापस लौट आता और उस मणि के चारों ओर चक्कर लगाता और मणि की रक्षा कर रहा था। तभी रवि के दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों ना इस मणि को मैं चुरा लूं, क्योंकि यह बहुत कीमती है। रवि को उसके मायने तो पता थे कि यह कितनी कीमती है। पहले तो रवि सोचता है कि मैं इस सांप को अगर मारूंगा तो फायरिंग की आवाज सुनकर मेरे सभी साथी यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए वो ऐसा नहीं करता है। तो रवि वापस से अपने सैनिकों के पास आता है और कहता है कि यह कोई दुश्मन की चाल है, तुम सब के सब चौकी में वापस लौट जाओ। अपने सभी साथियों को चौकी पर भेज देता है और खुद वहाँ अकेला चला जाता है, और यही सोचता है कि इस मणि को मैं कैसे हासिल करूं, क्योंकि उस मणि के आसपास जो सांप घूम रहा था और कीड़े मकोड़े खा रहा था, और सांप के रहते हुए तो उस मणि के पास पहुंचा नहीं जा सकता था। तो दोस्तों, एक बात और, मणि की जो रोशनी थी वह 10 से 15 फीट की दूरी तक जा रही थी। कई बार सांप 15-15 फीट दूरी तक चला जाता था कीड़े मकोड़े खाने के लिए। तभी रवि को आईडिया आता है कि इस बार जब सांप कहीं दूर जाएगा तब इस मणि को चुरा लेगा और उस नाग मणि को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन उसकी एक दिक्कत होती है कि रवि ने जो ड्रेस पहनी होती है, आर्मी की ड्रेस, वह इतनी ज्यादा भारी होती है कि उस रेत में उस मणि को लेकर ज्यादा दूर तक कभी नहीं भाग पाएगा। अगर उस ड्रेस के साथ भागा तो वो सांप उसे पकड़ लेगा, इसलिए उसने सोचा अपना ड्रेस क्यों ना मैं अपने बैग में रख लूं, और अपने जूते व अन्य सामान भी बैग में रख लेता है। और अब जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो भयंकर बड़ा सा सांप कीड़े मकोड़े खाने के लिए दूर जाता है। तब रवि वहां पहुंचकर उस मणि को उठा लेता है और तुरंत ही भागना शुरू कर देता है। रवि अब मणि को उठाकर भाग रहा होता है, परंतु थोड़ी देर बाद रवि पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि भयंकर सांप भी उसके पीछे पीछे भाग रहा है। वो सांप अपनी मणि का पीछा कर रहा होता है। रवि अपनी पूरी ताकत से भाग रहा होता है, और जब वो भाग रहा होता है तब उसे ऐसा लगता है कि अब तो मेरी जान ही चली जाएगी, अब मैं कैसे बचूंगा, मैं इतनी तेजी से और इतनी ताकत से कभी नहीं भागा। उसने आर्मी की ट्रेनिंग में भी इतनी तेज दौड़ कभी नहीं लगाई जितनी तेज आज दौड़ रहा है। रेत में भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी रवि भागता रहा मणि को लेकर। परंतु सांप ने उस मणि का और रवि का पीछा नहीं छोड़ा, और रवि भागते भागते सोचता है कि यह सांप तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। एक बार तो यह सोचता है कि मणि को फेंक दूं, फिर सोचता है कि इतनी मेहनत से तो यह मणि मिली है और ऊपर से ये बहुत कीमती है, अगर यह फेंक दी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, इससे अच्छा इसको लेकर मैं भागता रहूं।
और आखिरी सांस तक मैं इस मणि को उस सांप को नहीं दूंगा। और फिर वो ऐसा ही करता है, भागता रहता है पूरी ताकत से। भागते भागते एक तालाब के पास पहुंच जाता है और रवि उस तालाब में उतर जाता है। और तुरंत ही जो उसने सपेरे से तंत्र मंत्र विद्या सीखी थी, रवि मंत्र का उच्चारण करने लगता है और उस मंत्र के कारण वो सांप तालाब में नहीं जा पाता और रवि तालाब में खड़ा हुआ होता है। और जब रवि तालाब में थोड़ी सी भी हलचल करता है तो वो सांप तालाब के पास आ जाता था, परंतु तालाब में प्रवेश नहीं कर पाता था। वो सांप वहाँ पर घूमते घूमते बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और अपनी मणि के लिए तड़प रहा था और गुस्से में अपना सर पटक पटक के लहू लुहान हो गया था। और ऐसा करते करते रात के 12 बज जाते हैं और वो सांप एक ऐसी अजीब सी आवाज लगाता है। और उस सांप की आवाज को सुनकर कई सारे बहुत बड़े बड़े सांप आ जाते हैं और वो सब भी तालाब का चक्कर लगाने लगते हैं। थोड़ी देर तो वो सभी तालाब के आसपास चक्कर काटते हैं और फिर कुछ देर बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। और वहां पर कुछ देर बाद एक सात फन वाला शेषनाग आता है और वो शेषनाग उस तालाब को गौर से देखता है और बहुत देर तक तालाब के आसपास चक्कर काटता है। और फिर एक अजीब सा पदार्थ उस तालाब के अंदर डाल देता है और तालाब का पानी गर्म होने लगता है। कुछ देर बाद रवि को भी गर्माहट महसूस होने लगती है, क्योंकि रवि तो कमर तक पानी में था और उस तालाब की गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तालाब का पानी धीरे धीरे बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाता है। तालाब का पानी इतना ज्यादा गर्म होते जा रहा था कि यहाँ पर ठहरना रवि को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। कुछ चंद सेकंड बाद तालाब का पानी खोलने की स्थिति में आ जाता है और रवि सोचता है कि अब तो मेरी जान नहीं बच पाएगी, अब क्या करना चाहिए। रवि पहले तो पानी से बाहर निकलने के बारे में सोचता है, फिर उसे ख्याल आता है कि पानी से बाहर निकला तो सांप मार डालेंगे और पानी में रहा तो यहाँ उबल कर ही मेरी मौत हो जाएगी। रवि परेशान होने लग जाता है। अब रवि सोचता है मुझे अपनी जान बचानी ही होगी, इसलिए वो उस मणि को वापस देने के बारे में सोचता है और फिर थोड़ी देर बाद उस मणि को तालाब के किनारे फेंक देता है। और फिर सांप उस मणि को अपने कब्जे में कर लेता है और तुरंत ही चला जाता है। जो पानी कुछ ही सेकंड पहले उबल रहा था फिर एकदम से ठंडा हो जाता है और रवि उस तालाब से बाहर आता है। और रवि ऐसी स्थिति में होता है कि इतनी ज्यादा भागने दौड़ने के बाद, इतना सब कुछ झेलने के बाद जब वो तालाब से बाहर आता है, कुछ दूर चलते ही वो बेहोश हो जाता है और बेहोशी के कारण वो वहीं जमीन पर गिर जाता है और रात भर वहीं पड़ा रहता है। और जब सुबह होती है तब उसके साथी देखते हैं कि रवि रात भर चौकी पर वापस नहीं आया। वो सुबह सुबह उसे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो लोग उसे खोजते हैं तब रवि उन्हें 5 से 6 किलोमीटर दूर मिलता है, यानी कि रवि रात में 5 से 6 किलोमीटर दूर तक भागते हुए गया था। वो लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि रवि का कमर से ऊपर का शरीर तो गोरा था और कमर के नीचे का शरीर काला था। और रवि कुछ दिनों बाद होश में आ जाता है, परंतु उसके शरीर के रंग का कारण डॉक्टर भी नहीं जान पाए। और रवि अब स्वस्थ हो चुका है और अपने काले रंग का इलाज भी करवा रहा है, लेकिन फिर भी उसके काले रंग में कोई फायदा नहीं मिला। वो अपना इलाज करवा करवा कर थक चुका था, परंतु एक संत उसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम 7 तीर्थ स्थलों के जल से स्नान करोगे तो तुम्हारे शरीर का रंग फिर से सामान्य हो जाएगा। और रवि सोचता है कि इतने सारे इलाज करवा कर देख लिए तो एक बार यह भी कोशिश कर लेता हूँ। और वो ऐसा ही करता है और एक एक करके सभी तीर्थ स्थल पर स्नान करने जाता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना।